रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में शुक्रवार को जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने जिले के सभी थानेदारों के साथ जिले के टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री के साथ जिलाधिकारी ने कार्रवाइयों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे के साथ सभी क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिले की पुलिस टीम ने टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, कार्रवाइयाँ कितनी सही और कितनी गलत हैं, इस दौरान क्या लापरवाहियाँ बरती गई हैं या फिर किस थानेदार ने टॉप 10 अपराधी और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ शासन की मंशा और विधि सम्मत मानकों के अनुरूप कार्रवाई की है, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन द्वारा इसकी समीक्षा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, पुलिस लाइन में खास तौर पे हम लोग का अभी चुनाव नज़दीक आने वाली है और लॉ एंड ऑर्डर का भी स्थिति का एक बार रिव्यू किए थे। खास तौर पे जो टॉप 10 बदमाश लोग हैं उन लोगों ऊपर कार्रवाई कराने के लिए शासन से निर्देश था। कुछ थाने ने अच्छा काम किया, कुछ थाने ने अभी काम में अभी थोड़ा कमी थी, उसको मार्गदर्शन दिए थे, जल्दी से जल्दी उन लोग कार्रवाई करा के अवगत कराएंगे।